साहब जी ने मिट्टी गोल का अनादमान बना गुरु का खालसा खालसा साध सहेब जी वाहेगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी का गुरमुख प्यारे लोग असी अज सारे भाई रविंदर सिंह जोड़े कुछ दिन पहला अपने सवासा पूंजी में खरीदया होया इस लोक में छड़ के परलोक में गमन करते हैं उन्होंने अंतम अरदास शामिल होने के हाजिर हुए हैं। भाई रविंदर सिंह के परिवार ने रिश्तेदार ने सके संबंधियों ने धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी का ओट आसरा लिया है। आओ गुरमुख प्यारियो जिथे असी भाई रविंदर सिंह सच्ची श्रद्धांजलि देने वास्ते गुरु की बाणी का आसरा लै रहे हैं उत्थे असी अपने मन की कहानी भी धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी की घोषणा करिए। जो भी जीव इस संसार के आता है उन्होंने निश्चित सवासा की पूंजी दे के भेजा जाता है। यह निश्चित सवासा की पूंजी जी है ये मन में लिखी जाती है। मन अकाल पुरख का बच्चा आप गुरबाणी गुरु में पढ़ते हैं तन ढाले सब दुस्साहस ना बदन ना कटन तिल साल। असं जिन्हें भी जीव इस संसार से आए हैं सारियां निश्चित समा निश्चित टाइम निश्चित सवास मिले उस सवास तो बाद आप एक भी नहीं लै सकते। जो जीव के सवास खत्म हो जाते हैं उन्होंने इस लोक को छड़ के जाना पैंदा। आप गुरबाणी गुरु में पढ़ते हैं जिहा जीव लिखिया तिहा हुक्म कमाहे कले आवे नानका सदे उठी जाए। सो गुरमुख प्यारियो असीं सारिआं ने ही अपनी अपनी वारी चले जाना है। धन धन साहिब श्री ग्रंथ साहिब की बाणी विच असीं पढ़ते हाँ कि जो भी मानस जन्म जिहड़ा है यह सारिआं 84 लाख जन्म के सब तो उत्तम जन्म जिहड़ा है वह मानस जन्म है। 84 लाख जून सभाई प्रभ मानस को देह वड्याई। गुरमुख प्यारे मानस ही एक ऐसा जन्म है जिस विच असीं प्रभु नाल मिलाप कर सकते हैं। यह वड्याई अकाल पुरख सच्चे पातशाह ने किसी होर जीव को किसी होर जून के नहीं दिती। असी व्यर्थ के काम धंधिया उलझ के अपने असली मनोरथ को मानस कामे के असली लाहे भी भुल गए। धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब की बाणी के अपन दसिया गया है प्राणी तो आया लाहा लिया लगा कित उखकड़े सब मुख दी चली रहे कि असी व्यर्थ के कामों के अपना जीवन अपने कीमती सवास जोड़े आ वो खर्च करी जा रहे हैं पर जोड़ा लाहा लैन वास्ते अं इस संसार के आए हाँ सू अकाल पुरख ने भेजा है वो लाहा भी नहीं लै रहे। वो लाहा की है धन साहब श्री गुरु ग्रंथ साहब की बाणी में दसाया गया है हर हर नियत जपो जीहो लाहा कटो के हरि कि हरी का नाम जपना सिमरन करना बाणी पढ़नी ये इस मानस जन्म का लाहा है। गुर सतगुरु का जो सिख अखाए सो भलके उठ हर नाम ध्याए उदम करे भलके प्रभाते इशनान करे अमृत सर नाले उपदेश गुरु हर हर जप जापे सब गिल मिख पाप दूख लह जावे फिर चढ़े दिवस गुरबाणी गावे लेंदिया लेंदिया उठदिया हर नाम ध्यावे जो सास ग्रास ध्याए मेरा हर हर सो गुर सिख गुरु मन पाए कि आपने उठदिया बहदिया हर टाइम प्रभु को याद करना है सिमरन करना है। गुरमुख प्यारियो असी सारे ही जीव बाणी पढ़ते हाँ पर बाणी पढ़ के असी विचारते हैं बाणी को पढ़ के विचारना जरा है कि सानू गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का हुक्म है बाणी विदलो विचार सी जे को गुरमुख होए असी बाणी को पढ़ के विचारना है। बाणी गुरु सानू कह रहे हैं कि ये जरा जो मन है ये अकाल पुरख का बच्चा है इसलिए ही इस सवासा का धन दे के इस संसार से भेजा गया है तो असी इस सवास में एक सवास में असी ये रतन जवाहर जोड़े हैं ये मेरे गुरदे पिताने जमा करवा असी सवास ग्रास सिमरन जोड़ा है कि गुरबाणी गुरु का उपदेश मन लिया होया करना होंगे है। असी धन धन साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का वचन जोड़ा वो मंगना होंगे है। महाराज की फरमान करते हैं चौहों वर्णा को एक वर्ण कराओ वाहे गुरु का
जाप जपाऊं कि नहीं संदेश का हुक्म नहीं मनना मनना है गुरु को असी उन्हों का हुक्म मनना है कि आपां नूं वाहिगुरु गुरमंत्र का अभ्यास करने वास्ते संदेश पिता जी ने कहा है जे असी गुरमंत्र वाहिगुरु गुरमंत्र है जप होमे खोई जे असीं वाहिगुरु गुरमंत्र का जाप नहीं करते तो साडे इस जीवन नूं भ्रष्ट किया गया है साडी तुलना कुत्ते सूर कां गधे ते सप दे बराबर कीती गई है माफ करना यह दास नहीं कह रहा यह धन धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की बाणी कह रही है गुरमंत्र ही इस जो प्राणी ते गंत जन्म त्रस्तणे कुकर है सूकर है गर्दब है कक है सरपण है तुल खले देखो जे आप गुरमंत्र पिंड नहीं करते जे अं गुरबाणी गुरु की गल नहीं मानते तो आपू कि कुछ देखो साढ़े जीवन में ही लाण पाउन लग गया है सो गुरमुख प्यारे हो आओ असं जिन्ना समा आपू इतों मिलया है जथे वालों असी आप गुरमंत्र जोड़ा है वो अभ्यास करते हैं जो भी आप गुरमंत्र का अभ्यास वास करना है आपने नेत्र बंद रखने हैं क्योंकि जो आप नेत्र खुले रखा तो असी सामने जो भी आकार देखा साडा वो प्रति विचार बनता जाएगा तो असी 84 लाख जून कटन वास्ते अपने विचार ही मारने पड़े हैं विचार मारे तरे तारे उल्ट जून ना आवे असी अपनी आवाज में धुन में धुनवे ध्यान धुनवे के गुरमुख आवाज में धुनवे ध्यान ध्यान में जाने गुरमुख अकथ कहानी क्योंकि यह काल का जाल जरा नेत्रा के कन्ना के जीभा के प्यार है काल जाल जिहबा और नैणी कानी काल सुने पिख बैणी आओ गुरमुख प्यार असं अपने गुरु ग्रंथ साहब की बाणी का हुक्म मानदिया हो नेत्र बंद करके श्वास ग्रास सिमरन का अभ्यास करिए जी करो जी कृपा वाहगुरु 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 जी का खालसा वाहगुरु जी जिस तरह गुरमुख प्यारे हो आपू कोई धन का रोग लगा हों तो असं डॉक्टर को दवाई लैन जाते हैं तो डॉक्टर सानू नाल कुछ भेज भी दसता है कि असी उन्होंने भेजा का जो पालन करिए तो असं छेती ठीक हो जाए इस तरह गुरबाणी गुरु ही सानू प्रभु बलाप के रस्ते आने वाली रुकावटों बारे दसते हैं जिन्ना गलों करके जिन्ना कमां करके साडा प्रभु नाल मिलाप नहीं होता है वो पहला भेज दसिया गया है निंदा चुगली गुरमुख प्यारे जदों असं किसी जीव की निंदा चुगली करते हाँ तो असं अपने हथी लिखते हैं कि सादा मूँह पाला करके लत्त में सुटिया जाए गुरबाणी गुरु का फरमान है निंदा भली किसी की नहीं मन मुख मुगध करंग मूँह काले तुम्हारा निंदा नरके घोर पवन दूजा परेज हम दसाया गया है होमे क्योंकि होमे जी है इतने होमे होमे एक दीर्घ रोग है गुरमुख प्यारे होमे नाम विरोध है बसे ना दोवें असं निकिया निकिया गलों भी होमे कर लेनी है कि मैं अमृत में उठ के नीलिया बाणिया पढ़ना मैं हर रोज़ गुरद्वारा साहब आना क्योंकि जे आप अमृत में उठ के बाणी पढ़ते हैं गुरद्वारा साहब आते हैं ये अपनी कोई होमे नहीं ये अकाल पुरख सच्चे पातशाह की बख्शिश है जिसे जपाए सोई जाने जिसे गिणाए सोई जन जाने आप अपने आप कुछ नहीं कर सकते आप होमे नहीं कर रहे चीज़ा पर दसाया गया है जी आपको लोग लाज गुरमुख प्यारे मालक का नाम लैन लगे आप लाज नहीं कर रही जिदा आप गुरमंत्र का अभ्यास किया आप लोग लाज तो उपर उठ के वाले मार नहीं मालक वाह गुरु वाह गुरु जो आप सिमरन करते हैं वाहगुरु याद करते हैं लाज ही कर ली तो गुरबाणी गुरु कहने लाज नाम वे जो नाम ना लीजिए नाम वे हम सुखी कसोगी आप नाम लैन लगे लाज क्यों होगी
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੇਜਾਂ ਦਾ ਵੀ ਦੁਬਿਧਾ ਵੀ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਮਾਲਕ ਦੇ ਰਸਤੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾਪ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰੁਕਾਵਟ ਹੈ। ਦੁਬਿਧਾ ਈਰਖਾ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਮਨ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਦੁਬਿਧਾ ਦੀ ਮਨ ਚ ਰੱਖਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਮੰਨਣਾ ਹੈ। ਸਭ ਘਾਟਾ ਮੇਰੇ ਹੋ ਸਭ ਨਾ ਸੰਗਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਭੇਜਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਗੁਰਮੰਤਰ ਗਿੜ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦਿਆਂ ਵਿਚਾਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਮਾਨਸ ਜਮਾ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਰਾਂ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਣਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੋਂ ਕਿਹਦੇ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਣਾ ਪਵੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮਾਨਸ ਜਾਮਾ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਇਹਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪ ਸਭ ਦੇ ਅੱਗੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਅਮਰ ਦੀ ਧਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋਣਗੇ, ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦੀਆਂ ਬਾਣਾ ਹੈ, ਪੀਓ ਅੰਮ੍ਰਿਤ, ਆਪਾਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛੱਕ ਕੇ ਅੰਡੇ ਦੀ ਧਾਰ ਦਾ ਅਸੀਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਦੇ ਧੀਆਂ ਪੁੱਤਰ ਬਾਣਾ। ਇਸ ਸਵਾਸਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗੁਰਮੁਖੋ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਵੇਖ ਕਰ ਲਈਏ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਅਗਲੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਆ ਜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਮਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਿ ਕਦੋਂ ਸਵਾਸ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਸੋ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਓ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਆਪ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਧੰਨ ਧੰਨ ਸਾਹਿਬ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਨੇ। ਅਣਜਾਣ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਲੋਕਰ ਹਾਂ, ਚਾਕਰ ਹਾਂ, ਕੁੱਕਰ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਅੱਖਰ ਵਾਧਾ ਘਾਟਾ ਸਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਬੋਲੀ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਬਾਨੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਮਾਤਰਾ ਅੱਗੇ ਪਿੱਛੇ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪ ਸਾਰੇ ਗੁਰਮੁਖ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਲੇ ਨੇ, ਬਖਸ਼ ਦੇਣਾ ਜੀ ਦਾਸ ਨੂੰ, ਆਪ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬਖਸ਼ਣ ਦੀ ਪਾਵਰ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।